press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, जो इंग्लिश बुक आई थी उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और अब जो है उसका हिंदी वर्जन आने जा रहा है। सर, हिंदी में जो है एक अलग चीज़ बताई है, पहली बार प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ सिखाया जा रहा है इस बुक में, थोड़ा सा बताइए हमारी ऑडियंस को कि इस बुक में क्या कुछ होने वाला है। सबसे पहले तो नमस्कार आप सबको, आने के लिए बधाई। किताब के बारे में अगर मैं कहूँ, एक लाइन में अगर मैं कहता हूँ, तो निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शिका साबित होगी ये किताब। इसमें उनके दर्द को ही महसूस करने के बाद ये किताब लिखी गई थी और कई बार कई लोगों ने पूछा भी कि जैसे मैं एक निर्देशक हूँ तो कई लोगों ने पूछा कि आपका नज़रिया ऐसा क्यों। तो मेरी नज़र में ये था कि जिस हमारी इंडस्ट्री से निर्माता ही सिर्फ हमारी इंडस्ट्री से नहीं होता है, बाकी सब हम इंडस्ट्री के होते हैं। उस बेचारे को हम तब तक ही इंडस्ट्री में रखते हैं जब तक हमारी फिल्में कंप्लीट नहीं होती। जिस दिन फिल्म कंप्लीट हो जाती है या इनकम्प्लीट रह जाती है, हम उसे उस डब्बों के साथ मरने के लिए छोड़ देते हैं बाज़ार में और हम सब इक्वट हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्टर निर्माता हो, डायरेक्टर हो या डायरेक्टर के बाद नीचे जैसे सीढ़ी तक चले जाइए वो वहीं रह जाता है। वो डब्बों समेत उसे समझ में नहीं आता मैं इसका क्या करूं तो क्या करूं, क्योंकि वही एक अज्ञानी पुरुष होता है और अर्ध ज्ञान लेकर हम जैसे लोग भटकते हैं ताकि उन्हें हम अपने उल्लू सीधे कर सकें। तो उस दर्द से निपटने के बाद हमने एहसास किया और कोशिश की तो ये एक गुलदस्ता तैयार हो गया और इस गुलदस्ते के जरिए हम चाहेंगे कि निर्माताओं का उत्पन्न हो, क्योंकि उनकी आवश्यकता भी है हमारी इंडस्ट्री में, उनकी कमी भी है। कहने के लिए तो हम 28 लाख लोग इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हैं और रोजी रोटी अपनी कमा भी रहे हैं, कोई 19 कोई 20, लेकिन अभी भी हम इंडस्ट्री की मान्यता नहीं ले पाए। तो शायद कारण यही है कि हमें इंडस्ट्री के रूप में देखा नहीं जाता। हम अपने मियाँ मिट्टू कहते हैं, हम कहते हैं कि हम इंडस्ट्री में हैं, लेकिन किस इंडस्ट्री में? क्या सिनेमा को कोई इंडस्ट्री मान्यता मिली है अभी तक? नहीं मिली, अभी तो इतना ही कह सकता हूँ। सर, जैसे आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स के बारे में कोई भी बुक अभी तक सामने नहीं आई है और जो भी आपने कहा प्रोड्यूसर्स के बारे में, तो क्या ये मार्गदर्शिका साबित होगी उनके लिए और क्या आपने कुछ एक्सपीरियंस भी अपने शेयर किए हैं इस बुक में? नहीं, ये आवश्यकताएँ शेयर की गई हैं इसमें। मैंने कहा गुलदस्ता, क्योंकि मैंने हर चीज़ की निर्माता को जिन चीज़ों की आवश्यकता है, धन से लेके कर्म तक कार्य पूर्ण करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, उनका वर्णन इसमें है। अगर सपोज़ एक एग्जांपल दूं कि एक फिल्म बनाने के लिए सबसे पहले एक डायरेक्टर की आवश्यकता है, तो एक डायरेक्टर को वो कहाँ से ढूंढ सकता है, कैसे मिलेगा डायरेक्टर? मिलेगा तो उस डायरेक्टर के पास क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ये भी है। साथ में हमने ये ज़रूर लिखा है कि अगर डायरेक्टर पूर्ण नहीं है तो वो डायरेक्टर कैसे बन सकता है। तो ये उन सवालों के जवाब भी हैं जो शुरुआत में हर निर्माता के दिमाग में रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ विश्वास पर चलता है और अक्सर वो विश्वासघात सहता है। आपके बाजू में जो ब्यूटीफुल से महिला बैठी है उनसे सवाल जानना चाहूँगा। मैम, थोड़ा सा अपने नाम के साथ इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे ऑडियंस को और फिर सवाल। डेफिनेटली, गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड नमस्ते। थैंक यू आप सबका यहाँ आने के लिए पहली बार। एंड माय नेम इज़ मंजीत गिल एंड आई एम वर्किंग इन हिज प्रोजेक्ट नेम ज़ोहरा बाई। हमने ऑलरेडी इसके ऊपर काफ़ी बात भी की है और प्रेस में भी हमारा चर्चा हो चुकी है। एंड आई मीन ही इज़ अ ग्रेट पर्सन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर उदय सेनापति जी फॉर ब्रिंगिंग आउट सच अ ब्यूटिफुल बुक।
जिसमें एक गाइडलाइन है, जैसे उन्होंने बताया है फॉर प्रोड्यूसर्स इट्स अ वेरी ग्रेट गाइडलाइन एंड फॉर पीपल लाइक इवन एन आर्टिस्ट और समथिंग लाइक हर एक का ड्रीम होता है टू रीच अप टिल देयर है ना, एक ड्रीम अचीव करने के लिए बहुत अच्छा एक जरिया है सबके लिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन रीड दिस बुक, लर्न मोर आउट ऑफ इट एंड कम आउट टू बी अ ग्रेट पर्सन एंड अचीव योर ड्रीम्स. व्हाट इज योर कैरेक्टर इन द फिल्म? इन ज़ोहराबाई आई एम प्लेइंग मदर ऑफ ज़ोहराबाई. So it's a very unique character and a very unique story. Of course you will see different shades of women in that movie. So jab aap wo movie ke bare mein hum baat karte hain, how it works and how it comes out, thodi der mein phone karta. So it's a conference mein baitha, beautiful colorful shades of women. So I would request everyone wo bhi movie abhi chalo abhi hamara sara process chal raha hai uske upar. So definitely जब भी वो निकल के आएगी इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क. सर इसके अलावा जैसे मैम ने कहा कि ज़ोहराबाई काफ़ी मोस्ट अवेटेड फिल्म है और ज़ोहराबाई कौन किरदार प्ले करेगा उसको लेकर भी काफ़ी सस्पेंस अभी तक बनाया हुआ है आपने, थोड़ा सा बताइए कि ज़ोहराबाई अभी इट्स टू अर्ली टू से कौन प्ले कर रहा है कि अभी भी हमने उसको सस्पेंस नहीं बनाया है, एक्चुअली उसका पोर्शन शूट नहीं किया इसलिए हम बता नहीं रहे. नो डाउट न्यू कमर है, not from the industry, very eagerly to join industry एक character है क्योंकि मेरी फिल्म के पात्र सारे नए हैं इसीलिए किरदार भी सारे नए हैं, जो कलाकार हैं वो भी नए हैं तो लेट समय आने पर सब चीज़ बता दिया जाएगा. और दिवाली तक का टारगेट पहले भी कह रहा था मैं और अभी भी हमारा दिवाली तक थर्ड शेड्यूल हम जा रहे हैं तो थर्ड शेड्यूल में कंप्लीट कर लेंगे इस फिल्म को और देखते हैं रिजल्ट आ जाएगा. शूट कहाँ तक पहुँचा अभी तक? मतलब वी हैव कंप्लीटेड 50% ऑफ द फिल्म इज कंप्लीटेड. और शूट लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे शूट की जा रही है? कई जगह है, मेनी प्लेसेस, यूपी, दिल्ली, देन इन गुजरात, मुंबई. अभी अगला शेड्यूल हमारा मुंबई में. कमिंग बैक टू दिस बुक, कैसे इसका मतलब जैसे अभी थोड़े दिनों के बाद उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, कैसे उसका ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, थोड़ा सा उस बारे में बताइए सर. एक तो डिजिटल मार्केटिंग में जोर दिया गया है क्योंकि ज़माना डिजिटल है, डिजिटली इट इज़ अवेलेबल, इट विल बी अवेलेबल. और दूसरा ये है कि कुछ शॉप्स में हैं, लाइब्रेरीज में भी जाएंगी और प्राथमिकता में यूनिवर्सिटीज़ को दे रहा हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ में ही किसी भी चीज़ को जन्म लेना पड़ता है तो क्यों ना वहीं से इसको शुरुआत की जाए. तो कई यूनिवर्सिटीज़ में उपलब्ध भी है, इंग्लिश वर्शन मेरी उपलब्ध है, हिंदी वर्जन वॉज अ डिमांड ऑफ इट.